ताहिर साहब, फरहान बोल रहा हूँ इंडियन मीडिया से। जी अस्सलाम वालेकुम। हम सर, ताहिर भाई, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कर्नाटका गवर्नमेंट के बारे में, उसका जरा ब्रीफ दीजिए। जी, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे थे कि जो रिपल लोगों ने, जो कि बॉम्बे में है, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो इसका जो स्पीकर है वो हमारे रेजिग्नेशन के ऊपर बैठे हुए हैं और उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सिग्निफिकेंट जजमेंट दिया है और इसका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। इसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि क्योंकि स्पीकर भी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसको कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकता कि उनका रेजिग्नेशन कब तक और कैसे उसको एक्सेप्ट करें। इसकी ड्यूटी के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते और जो स्पीकर है वो एज पर प्रिस्क्राइब रूल ही उन्हें एक्ट करना है और उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकते। तो अब स्पीकर के ऊपर है जिम्मेदारी है, कब भी वो चाहे तो अपने आप से उसको रेजिग्नेशन को ले सकता है। तो सुप्रीम का कोई दखल नहीं है इसके लिए। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज पे क्लियरिटी दे दी कि ये जो रेजिग्नेशन है स्पीकर अपने टाइम फ्रेम में कब लेना है नहीं लेना वो लेंगे। जी, जी, और उन्होंने बोला अगर वो एग्रीव्ड होते हैं स्पीकर किसी भी एक्शन से उसके बाद, देन दे कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर प्रॉपर कोर्स। अच्छा, आप दूसरे दूसरे पॉइंट पे ये आता हूँ कि ये जो कल फ्लोर टेस्ट है, ठीक है ना, तो उस पे कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एमएलए को आना जरूरी है, ऐसा कुछ बोला? देखिए, बिल्कुल एक क्लियर डायरेक्शन जो रेबल्स के जो एडवोकेट थे मुकुल रस्तोगी पूछ रहे थे कि कल की प्रोसीजर को एक्सेप्ट कर दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम लोग किसी भी रेबल को या किसी भी एमएलए को डायरेक्शन नहीं दे सकते कि तुम अटेंड करो या नहीं करो बोल के, और उन्होंने उसके ऊपर एमएलए के ऊपर छोड़ दिया। और उसमें कहीं भी ऐसा वर्ड यूज हुआ नहीं है जजमेंट में कि इसमें बताया गया है कि वो लोगों के ऊपर जो उनकी पार्टी से इश्यू हुई व्हिप उनके ऊपर लागू नहीं रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया है कि देखिए, एक ऑलरेडी एक लॉ है और एक रूल है जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड है, ऑलरेडी जो बना हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट बने हुए रूल को या लॉ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती ना, क्योंकि अगर वो कमेंट करेगी तो वो चेंज कर जैसा हो जाएगा। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पार्ट को टच नहीं किया। तो मेरी जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है उस पोर्शन को पढ़कर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर से बोल दिया है कोई भी एमएलए को फोर्स नहीं कर सकता। मतलब इसका मतलब कि कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं डायरेक्शन दे सकता उसे अटेंड करो या नहीं करो। अच्छा, ठीक है। अब उनको जो करना है, जो प्रिस्क्राइब रूल और जो कन्वेंशन है उसी में चलना है। अगर वो लोग उसके खिलाफ होते हैं तो ऑलरेडी जो रूल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है उसमें अगर वो व्हिप को फॉलो नहीं करेंगे या अब्सेंट होंगे या उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे तो वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को बहुत सेफर साइड में रखा है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिस्क्राइब रूल है, जो प्रैक्टिस है, उसमें इंटरफेयर किए बगैर एक ऐसा ऑब्जर्वेशन दिया है जिसमें कि उनको डिसाइड करना है एमएलए को, अगर वो लोग आना चाहते हैं, अपनी मेंबरशिप को बचाना चाहते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन बचना चाहते हैं तो अटेंड होए, अगर नहीं बचना चाहते वो लोग, अगर डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं तो उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता, पार्टी भी फोर्स कर सकती है, कोर्ट भी फोर्स नहीं कर सकता। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि डिस्क्वालीफाई करने का जो अधिकार होता है, ठीक है ना, ये किसके पास होता है? अगर मान लीजिए कल एमएलए नहीं आते, ठीक है, तो ऐसा क्या कोई कानून है कि अगर आप देखिए डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट के बारे में बकायदा कानून है, एक्ट है, इसके ऊपर रूल्स वगैरह प्रिस्क्राइब है किस किस पोजीशन में डिस्क्वालीफाई होता है। उसमें से एक सिचुएशन ये है कि अगर पार्टी व्हिप जारी करती है उसके खिलाफ अगर कोई भी एमएलए या उसका इलेक्टेड मेंबर उसके खिलाफ वोटिंग करता है या एब्सेंट रहता है किसी भी इनवैलिड रीजन से, तो उसको डिस्क्वालीफाई के लिए को पार्टी बोल सकती है और स्पीकर उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो अब जो पोजीशन जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ इस जजमेंट से, तो ये जो रेबल्स का ना, इनका पूरा जो फोर्स था कि वो लोग गवर्नमेंट को गिराने के ऊपर था और वो इसमें फेल हो गए क्योंकि वो रेजिग्नेशन देना चाहते थे, उसमें फेल हो गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं किया कि स्पीकर उनके रेजिग्नेशन को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन से एक्सेप्ट करे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या रहता है जो कि ट्रस्ट वोट है कल वो। अब ट्रस्ट वोट में पोजीशन क्या रहती है कि पार्टी अपने वे इशू करती है अपने मेंबर्स को कि उनको क्या करना है, आपको फेवर में वोट देना है या उसके अगेंस्ट में वोट देना है। जैसे बीजेपी ने अगेंस्ट में वोट देने के लिए बोला होगा, कांग्रेस और जेडीएस ने फेवर में वोट देने के लिए बोला। ये एक लॉ के दायरे के अंदर ये प्रोसेस शुरू होता है। ठीक है, अब इस दायरे के अंदर जो एमएलए नहीं करेगा उसको, तो लॉ में जैसे मान लीजिए एक जनरल चीज है कि चोरी नहीं करना। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट नहीं बोल सकते कि जो चोर को तुम्हें अरेस्ट नहीं करो बोलते, क्योंकि उसका चोरी हुआ था उसका लॉ है जी, उसको अरेस्ट कैसे करना, उसको ट्रायल कैसे चलाना। तो सेम ऐसे वेप और डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर लॉ है,
ठीक है, अगर डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिए तो वो फिर वो बाद में वो एक अलग से एक लीगल बहस है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करना चाहिए था, उसको वैसा करना चाहिए था, तो कोर्ट ही डिसाइड कर सकता है। वो एक अलग लड़ाई है, ठीक है ना। जी जी जी। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये जो ये ऑर्डर बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पेसिफिक है, अगर वो कल नहीं आते हैं तो पूरे जो मेंबर हैं जो कल अब्सेंट होंगे, अगर ये आके प्रेजेंट होने के बाद भी और के खिलाफ वोट करेंगे तो पूरे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मेरी लीगल अंडरस्टैंडिंग बोलती है। अच्छा, तो मतलब आप ये भी बोल रहे हैं कि अगर वो लोग नहीं आते हैं तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? जी जी। अगर आके अगेंस्ट में वोट देते हैं, अपने पार्टी के अगेंस्ट, पार्टी के डिक्टेट के खिलाफ वोट देंगे तो भी वो डिस्क्वालीफाई, ये एज पर द लॉ है, ठीक है ना, ये एज पर द लॉ है, रूल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है ये। तो अब ये बाद में देखना पड़ेगा कि आगे कोर्ट और बाकी कार्रवाई कैसे होती थी, लेकिन प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग यही है, ठीक है ना। जी, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे लोग मैंने देखा कुछ मीडिया में बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने वेप के बारे में बोल दिया, बल्कि ऑर्डर में क्लियर भी है कहीं पर वेप के बारे में नहीं है। जी जी। और ऑर्डर में क्लियर ये है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, वो लोग चाहिए तो अटेंड हो सके, इसका मतलब इनको ये भी बोला नहीं तुम एग्जाम दोगे कल को, ठीक है, उनको उनको वो एक ब्लैंकेट ऑर्डर भी दिया नहीं कि तुम अटेंड हो जाओ या नहीं हो, वो तुम्हारे ऊपर, अगर तुम बचना चाहते हो तुम हो, नहीं बचना चाहते तो मत हो। तो ठीक है, तो अब ये कल देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर साहब आपका इस पे रोशनी डालने के लिए, ठीक है, थैंक यू।